नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस में शामिल हुए सांसद बिजेंद्र सिंह, बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ दिया है, कांग्रेस का हाथ उन्होंने थाम लिया है। चुनाव से ठीक पहले आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वो आवास पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में लंबे वक्त तक वो रहे हिसार में। इस पूरे परिवार का आप देखेंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह का खासा दबदबा है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब कोशिशें हो रही है तमाम दलों की तरफ से किस तरीके से खुद को मजबूत किया जाए, ठीक पहले अगर बीजेपी के सांसद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो जाहिर है कि इसे एक झटके के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि हरियाणा के हिसार वाले क्षेत्र में अगर हम कहें तो यहां पर खासा दबदबा है। जरा सुनिए कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने क्या कहा। इस्तीफा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ, इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया। मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। बृजेंद्र सिंह को अभी आप सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक कारणों के वजह से उन्होंने फैसला लिया है। थानेश्वर मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। थानेश्वर, हिसार और उस पूरे इलाके में चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार का अच्छा खासा दबदबा है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में उनका शामिल होना बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका और कांग्रेस को कितने फायदे की उम्मीद? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह डोमरखा काफी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। उनका कहना था कि आप जेजेपी से गठबंधन समाप्त करो और अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें अनुमान यह लगाया जा रहा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं विजेंद्र, उनका टिकट कट सकता है। यहां से कुलदीप बिश्नोई या गंगवा या किसी और को यहां से चुनाव सांसद की टिकट मिल सकती है। जब बनक लगते ही तो उन्होंने निर्णय लिया कि पार्टी को अलविदा कह दिया जाए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह डोमरखा बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। जब 2014 में आज से ठीक 10 साल पहले जब उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कहा था तो उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया था, केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया था बकायदा। तब उन्होंने कहा था कि इतना मान सम्मान जो बीजेपी ने मुझे दिया आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया था। तब उन्होंने बीजेपी के कसीदे पड़े थे, लेकिन अब जब पता लगा कि उनकी बेटे की टिकट कट सकती है तब उन्होंने इसको अलविदा कह दिया। क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला कि वो उन्होंने कोई काम नहीं कराया, विकास कार्य नहीं करवाए। इन दोनों की आपस की जो छिटाकशी थी ये पार्टी आलाकमान तक पहुंची थी। पार्टी आलाकमान ने भी वीरेंद्र सिंह को कई बार कहा था कि आप इस तरह की बयानबाजी बंद कर दीजिए, लेकिन वीरेंद्र सिंह बार बार ये कहते थे कि अगर इस सीट को जीतना है, हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ लाना है, तो आपको जेजेपी का गठबंधन समाप्त करना होगा। लेकिन बीजेपी ने इनकी बात नहीं मानी, इस करके ये उनसे नाराज चल रहे थे। पिछले 2 महीने के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 3 बार इनकी मीटिंग हुई थी, तभी अनुमान लगाए जा रहे थे कि वीरेंद्र सिंह परिवार जो है अब बीजेपी को अलविदा कह के कांग्रेस में शामिल हो जाएगा। क्योंकि इनका काफी होल्ड है, उचाना कह दिया जाए, डोमरखा एरिया कहा जाए, हिसार लोकसभा क्षेत्र कहा जाए, क्योंकि उचाना एक ऐसी जगह है जहां से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र भी लगता है, हिसार भी लगता है। अब 2 लोकसभा क्षेत्र के बीच का जो एरिया होने के कारण दोनों क्षेत्रों में इनकी काफी अच्छी पहचान है। क्योंकि अपना किसान नेता छोटू राम के नाती होने के नाते किसानों में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इस कारण कहा जा सकता है कि बीजेपी को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले काफी बड़ा झटका माना जा सकता है। थानेश्वर, एक बात बताइए कि इससे पहले, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस से भी उनके नाते रहे हैं, कांग्रेस में भी थे, उसके बाद चुनाव के ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, ऐसे बार बार पाला बदलना लोगों के बीच में क्या मैसेज जाता है? क्या ये व्यक्तिगत डेंट के तौर पर नहीं है लोगों के बीच में, इससे क्या संदेश? देखिए, जहां तक पब्लिक का सवाल है, पब्लिक की राजनीति की पब्लिक है, जो पॉलिटिशियन से अपने समर्थक होते हैं वो उसके हमेशा उसके साथ रहते हैं, कुछ समर्थक साथ रहते हैं। अगर मैं कहूं कि ये पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में आए, बीजेपी के कसीदे पढ़ने लगे कि कांग्रेस ने मुझे इज्जत नहीं बख्शी जो बीजेपी ने बख्शी है, मुझे केंद्र में मंत्री बनाया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि केंद्र में मंत्री बनूंगा, ये सब इन्होंने भाषणबाजी दी थी। इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई बुलंदियों को छू रहा है, बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे। लेकिन अब जब उन्हें पता लगा कि इनके बेटे की टिकट कट रही है तब इन्होंने अलविदा कहा है। नेचुरल
लच्छे साहब ने कहा कि जनता में इनका प्रभाव थोड़ा गलत जाएगा, लेकिन इलेक्शन के समय जैसी लच्छेदार बातें ही करने में माहिर है, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक को इमोशनल कर लेते हैं कि आपकी वजह से मैंने किया है ये किया। अभी जैसे इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, अभी थोड़े दिन बाद देखिएगा उचाना लोकसभा क्षेत्र, उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बड़ी रैली करेंगे, हिसार में बड़ी रैली करेंगे, बहुत धन्यवाद आपका थानेश्वर, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए ब्रिजेंद्र सिंह।